हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो गाइस, आज का टॉपिक वर्ड से रिलेटेड है और वर्ड में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने पेज पे बैकग्राउंड के साथ डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइस, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड आप कलर सेट करना चाहते हैं, कलर हो या इमेज, आप दोनों ही स्थिति में बैकग्राउंड को प्रिंट ले सकते हैं। बैकग्राउंड के से साथ जो डेटा है उसे आप प्रिंट ले सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जहाँ तक हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अभी हम बताते हैं आपको कैसे करना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फाइल है, हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो हम डिज़ाइन में जाकर पेज कलर लेते हैं और उसका हम कलर कुछ नॉर्मल सा रखते हैं, ज़्यादा ठीक नहीं है। चलिए ये कलर मैं रखता हूँ सेलेक्ट करके, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रीव्यू करके चेक करेंगे ताकि जो प्रिंट करने से पहले जो रिजल्ट दिखाता है वो बैकग्राउंड दिखा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें चाहिए बैकग्राउंड भी, ठीक है। बैकग्राउंड पे जो कलर है वो हमें वो भी प्रिंट करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे फाइल टाइप पे जाना है। फाइल टाइप पे आप जैसे आएंगे सबसे नीचे की ओर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शंस, ठीक है। आपको उस ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको इधर डिस्प्ले टाइप मिल रहा होगा देखने के लिए। तो इस डिस्प्ले टाइप में जाने के बाद आपको नीचे प्रिंटिंग ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस, ठीक है। तो आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है चेकबॉक्स पे यहाँ पे टिक आउट करके। उसके बाद आपको करना होगा ओके। आप जैसे ही इसको ओके करते हैं उसके बाद आपको प्रिंट करने से पहले जो रिजल्ट आप देखते हैं यानी प्रिंट प्रीव्यू, तो वो आपको यहाँ से कर लेनी होगी। तो यहाँ प्रिंट पे आप चले जाइए और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड भी साथ में आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे इसका यह मतलब होता है कि आप जब भी प्रिंट लेंगे तो साथ में बैकग्राउंड का जो भी कलर आप सेट किए हैं या फिर कोई इमेजिंग क्यों ना सेट किए हों वो साथ में प्रिंट होकर आ जाएगा, आपके पास हार्ड कॉपी बनकर आ जाएगा। तो गैस, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना ही कीजिए। और जहाँ तक हो और भी इस चैनल पे ट्यूटोरियल वीडियोस रखी पड़ी हैं तो आप जाइए और इस वीडियो को देखिए। वर्ड से रिलेटेड और भी 2-3 टॉपिक मैंने पीछे वीडियो में बताए हैं, तो वो भी आप देखिए और जाकर लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।